नमस्कार दोस्तों, एनटीबी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक महिला के बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी घर को चाहे तो स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नरक भी बना सकती है। एक महिला अपने जीवन में ना जाने कितने किरदार निभाती है। पहले वो बेटी, बहन, पत्नी, बहू और फिर माँ बनती है। शादी के बाद उसके पति की इच्छा होती है कि वो उसके हर एक सुख और हर एक दुख में उसका साथ निभाए। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि एक महिला ही होती है जो अपने पति और ससुराल वालों के जीवन में सुख शांति ला सकती है। शादी से पहले हर किसी की तमन्ना होती है कि उसे एक ऐसी पत्नी मिले जो उसका और उसके परिवार वालों का अच्छे से ख्याल रखे। दोस्तों, कहते हैं हर पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन शादी के बाद आपके जीवन में अचानक से मुसीबत आ जाए या फिर आपको हर काम में असफलता मिलने लगे तो इसकी वजह आपकी पत्नी भी हो सकती है। यदि आप इस गलत फहमी में हैं कि हर महिला या पत्नी आपके लिए या आपके घर वालों के लिए भाग्य बढ़ाने वाली होती है तो आप इस गलत फहमी से दूर हो जाइए, क्योंकि कुछ महिलाएँ ऐसी होती हैं जो अपने साथ बहुत सारी परेशानियाँ लेकर आती हैं। दरअसल ये परेशानियाँ उनकी आदतों की वजह से होती हैं। दोस्तों, पुराणों में भी उन महिलाओं के बारे में बताया गया है जो अपने साथ दुर्भाग्य लाती हैं। आज हम आपको ऐसी महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने पति के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर एक, दोस्तों, ऐसी महिला जो अपने पति को बिना बताए उसके पर्स, बैंक या एटीएम से पैसे निकाल ले तो वह आपके लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। पत्नी के ऐसा करने पर आपके घर की बरकत रुक जाएगी। नंबर दो, दोस्तों, यदि किसी स्त्री को बहुत देर तक सोने की आदत है तो वो आपके घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकती है। देर तक सोने वाली महिलाएं अपने पति और उसके परिवार के लोगों की असफलता का कारण बन सकती हैं। नंबर तीन, दोस्तों, रात को सोते समय जो पत्नी अपने माथे का सिंदूर धोकर सोए तो उस व्यक्ति के असफल और दुर्घटना होने की वजह उसकी पत्नी बन सकती है। नंबर चार, दोस्तों, ऐसी पत्नी जो काले रंग के कपड़े पहने या फिर पहनना पसंद करे तो वो अपने पति और परिवार वालों के लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। नंबर पाँच, दोस्तों, यदि आपकी पत्नी गुरुवार के दिन बाल धोती है तो उसे ऐसा करने से मना करें, क्योंकि उसके ऐसा करने से किसी भी कार्य में आप कभी सफल नहीं हो सकते। नंबर छः, ऐसी पत्नी जो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन भी मांस का सेवन करती है तो वह अपने पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। नंबर सात, यदि कोई पत्नी बहुत ज़्यादा पुराने ब्रश का इस्तेमाल करती है तो उसकी ये आदत आपके लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। यदि वो ऐसा करे तो उसे ऐसा करने से आपको मना करना चाहिए। और दोस्तों, नंबर आठ है, जिस किसी भी व्यक्ति की पत्नी अधिक स्टाइलिश हो, बार बार पार्लर जाती हो तो उसकी ये आदत आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि एक महिला अगर अपनी खैर चाहती है तो जितनी जल्दी हो सके अपनी ये पांच चीज़ें तुरंत घर से बाहर फेंक दें, नहीं तो पूरे परिवार के साथ साथ पति भी बर्बाद हो जाएगा। पूरा घर भयंकर बर्बादी से गुजरेगा, इसलिए महिलाएं अपनी ये चीज़ जितनी जल्दी हो सके बाहर फेंक दें। दोस्तों, आजकल सभी अपना घर वास्तु संगत बनाना पसंद करते हैं ताकि उनके घर में किसी भी तरह का कोई भी वास्तु दोष ना हो, जिससे परेशानियों का सामना उन्हें ना करना पड़े। वास्तुशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसको अपनाने पर दुनिया का हर व्यक्ति अपना जीवन सुखी बना सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, ऐसे ही वास्तुशास्त्र में कई ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में इन चीज़ों को जितना जल्दी हो सके बाहर फेंक देना ही उचित है। ये चीज़ें खासकर महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए गांठ बांध लें। महिलाएं अपनी ये चीज़ें तुरंत बाहर फेंक दें, नहीं तो भयंकर बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। पूरा घर बर्बाद हो जाता है,
चलिए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार महिलाओं को जितना जल्दी हो सके अपने फटे गले कपड़े बाहर फेंक देना ही उचित होता है। फटे गले कपड़े पहनने से ना सिर्फ लक्ष्मी का अपमान होता है बल्कि इसका सीधा असर घर के ऊपर पड़ता है। फटे कपड़े पहनने से स्त्री का अपमान तो होता ही है, साथ ही इससे राहु, केतु और शनि की कुदृष्टि भी पड़ती है। इसलिए एक स्त्री को साफ सुथरे कपड़े ही पहनने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का आगमन हो और आपका परिवार भी सुख में जीवन व्यतीत करे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार किसी पराई स्त्री की चीज अपने घर में कोई भी महिला ना रखे। अगर इस बात की खबर किसी और को लगी तो इससे आपका भी नाम खराब हो सकता है, क्योंकि क्या पता जिस स्त्री की चीज आपने रखी है उस स्त्री का नेचर गलत हो या वो चीज चुराई हुई हो। इसीलिए सतर्क रहें, पराई स्त्री का कोई भी सामान अपने पास में कोई भी महिला ना रखे, नहीं तो अंजाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए सतर्क रहें। इसके अलावा दोस्तों, महिलाओं को अपने बाल काटते समय भी बालों को घर में नहीं फेंकना चाहिए। इससे भी घर में परेशानियां बरसते पानी की तरह आती हैं। घर में इधर उधर बाल फेंक देना सबसे बड़ा दोष माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। ऐसे में महिलाओं की ये गलतियां पूरे परिवार को भुगतनी पड़ सकती हैं। इसीलिए ऐसा काम कभी ना करें। दोस्तों, आगे बताया गया है महिलाओं को टूटी या हल्की सी चटकी चूड़ियां भी कभी नहीं पहनना चाहिए। इससे पति के साथ साथ उसके बेटे को भी नुकसान होता है। इससे घर में नकारात्मकता फैलती है, साथ ही इससे दोष भी लगता है। ऐसे में जितना जल्दी हो सके टूटी हुई चूड़ियां बाहर फेंक देना ही सही माना जाता है। दोस्तों, अक्सर महिलाएं दूसरों की बातों में आ जाती हैं, खासकर उनका मायका और पड़ोसन। इन लोगों के बहकावे में आकर वो अपने ही घर का विनाश कर लेती हैं। इसीलिए किसी के बहकावे में कभी ना आए। कड़वी बातें घर में रखना या किसी के बहकावे में आना बहुत बुरा माना जाता है और ये नफरत को बढ़ावा देता है। ऐसे में परिवार भी टूट जाते हैं। इतिहास गवाह है, किसी के बहकावे में आकर ही परिवार टूट कर बिखरते हैं। इसीलिए सतर्क रहें और इन बातों को घर में कभी ना करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। और यदि रोज़ाना इसी प्रकार के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।